ओ जंगल में हमें ये हवारी वगैरह देखनी पड़ रही है, और मसला बड़ा है बन गया कि समझ में नहीं आ रहा किधर जाना है, हमें रास्ता नहीं पता चल रहा। ये तो कौन सर हैरी से होंगे, तो आज तकरीबन 3 हफ्ते बाद लाग आ रहा है, उसकी वजह थी ये बंदा साथ साथ साहब ने लाग रिकॉर्ड किया था, एडिट भी किया था, इन्होंने कर दिया डिलीट, जो है सारी एनर्जी हो गई खत्म, मोटिवेशन लेवल 0 पे। आज वापस सारी टीम इकट्ठी हुई है, सोचा लाग करने जाते हैं, जिस जगह पे जा रहे हैं वो जरा बाहर आपको दिखाते हैं, सामने जंगल है उसमें लागी आग, तो जरा हम वो आग देखने जाएंगे। है तो बड़ा जुल्म है जानवरों के साथ भी किसी ने आग लगा दी है, तो वो चल के देखते हैं क्या सीन है, किस तरह आग लगी है, तो आपको भी दिखाते हैं। अगर सुभान भाई जूम करके दिखा सकें जी, जूम करें, धुआं वगैरह नजर आ रहा होगा आप लोगों को, वो सामने लगी आग है, अभी काफी दूर है, शाम का टाइम है, जरा सनसेट भी देख लें, सारे गाँव की वाइब भी आपको चेक करवा रहे हैं, कोशिश करते हैं अगर पहुंचने की कि पहुंच जाए, वो शरारती वाला कुत्ता भी तंग कर रहा है, अब चुप कर गया कैमरा देख के डर जाते हैं। खैर उधर पहुंचते हैं, टाइम नहीं जाया कर, उधर चलते हैं फिर जाके आपको सारी बताते हैं क्या सीन वगैरह। अच्छा जी, जंगल की तरफ जाते हुए हमने जरा ये वाला रास्ता इस्तेमाल करना था, तो ये जगह अगर आपको याद हो तो अपना आम का बाग, इधर हमने फसल वगैरह लगाई थी सारी, तो माशाल्लाह अच्छी खासी हो गई है, बासान करीब इसका सीज़न आने वाला कटाई का भी, तो वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह, और उसका भी व्लॉग आएगा, कंटेंट बेहद अच्छा असल में, बस ज़रा मेरी टीम सुस्ती कर गई थी एक व्लॉग डिलीट करने की वजह से, जो एनर्जी लो हो गई थी, लेकिन अब ये कि इंशाल्लाह रमज़ान में रेगुलर व्लॉग वगैरह आएंगे, इस चीज़ की वाइब लें। ये सामने इसके ऊपर ना आपको बुरू वगैरह नज़र आ रहा होगा, इसका ये सीन है कि ये शो कर रहा है कि इस पर बहुत ज़्यादा फल लगेगा इंशाल्लाह, आम वगैरह लगेंगे जून जुलाई में, तो वो भी सीन पूरा चलेगा, इधर हम रिहाइश का सीन बनाएंगे, टेंट वगैरह लगा के ना प्रॉपर, गैस वगैरह आया करेंगे आम शाम खाने, आप लोग भी आएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये जो चीज़ है ना, जूम करके ज़रा चेक कराओ, इस पर लगेंगे आम, कुदरत का निज़ाम है, और ये बेतहाशा इस पर फल लगेगा इंशाल्लाह, नज़र ना लगे तो बेतहाशा, ये जितने भी आगे लगे हुए हैं ना, ये छोटी छोटी जो टहनियाँ लगी हुई हैं ना, इंशाल्लाह बेतहाशा इस पर फल लगेगा, फुल उम्मीद है, ये सारों पे लगा होगा तो इतना होगा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा काम। तो हम रास्ते में जा रहे थे तो एक जगह नज़र आई है, हमने सोचा ये एक इस इलाके की जो है ना कुछ फैक्ट्स बताते हैं, इतने काम है यहाँ का ज़रा व्यू करवाएं, जिधर भी आप गुजरेंगे ना आपको आम का दरख्त जरूर नजर आएगा, कोई ऐसा खेत नहीं नजर आएगा जिसमें आम ना हो, ये देखें आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ, बटाला में हज़ारों की तादाद में आम के दरख्त हैं, जो है ना गिनती में नहीं आते, ये अल्लाह की देन है, वो आम का कुछ भी नहीं लगाया हुआ इधर, ना इसकी कोई कदर करता है, अल्लाह की कुदरत के निज़ाम बेचारा, अल्लाह के ये दरख्त देख लें इतना इस पर फल लगा, किसी ने कोई खाद नहीं डाली होगी, कोई पानी नहीं डाला होगा, इस मट्टी में सिर्फ अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ है कि ऑटोमेटिकली हर साल इस पर फल लग जाता है। टोटली जंगल के दूध में घुसाए हैं, आप देख सकते हैं व्यू शू क्या सीन है, क्या निज़ाम है, अंधेरा भी पड़ रहा है, मगरब की जान वगैरह वैसी हो गई है, टाइम मुनासिब नहीं है जाने का, लेकिन प्लेयर बच्ची है मेरे साथ, मसले वाली बात नहीं है कोई, लेकिन ये कि फिलहाल हम थोड़े से अभी आबादी में हैं, ये साथ घर वगैरह भी हैं आगे पीछे, और 2-4 मिनट का सफ़र करेंगे तो हम प्रॉपर जंगल के दूध में एंटर हो जाएंगे। ये हमें पहाड़ी बकरे वगैरह नज़र आए हैं, वो खाने के लिए देखें किस तरह ये मेहनत कर रहे हैं, और किसी के पास जाके देखते हैं, इसके तो अच्छे खासे सिल्की बाल हैं, इस तरह बंदूक नहीं होते, तो ये लोग ये सिर्फ देख लें मेहनत कर रहे हैं, जंगल में लाइफ अपने गुजार रहे हैं, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, ये भी देख लेनी चाहिए वैसे चीज़ें इंसानों को, कि ये लोग हैं मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ मेहनत काश हैं, जंगलों में जाते हैं बकरी जानवर ये गाय वगैरह इन्हें चराते हैं और अपना निज़ाम चला रहे हैं ज़िंदगी का। इसमें हम सब के लिए पैगाम है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें जिस हाल में भी हैं। फिलहाल हमने ना रोड बिल्कुल छोड़ दिया है, कच्चे ट्रैक की तरफ निकल आए हैं, ये एक दरख्त, ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं पंजाबी में, तो बोर्ड का दरख्त हमने सुना है, और ये साथ पानी का तालाब वगैरह जानवरों के लिए, उसके बाद ये है कि वो सामने जो पहाड़ है ना आग वगैरह लगी थी उधर, ये कुछ पानी नज़र आ रहा है हमें, कोई पानी का टैंकर वगैरह भी गया है, हम कोशिश करते हैं उधर जाने की, अगर हमें किसी ने ना रोका, किसी ने मना किया, किसी रेस्क्यू वाले ने, तो हम ज़रूर उधर जाके आपको सारा मंदिर दिखाएंगे। दिया।
ओ जंगल में हमें ये सवारी वगैरह देखनी पड़ रही है, लेसी से खुल गए हैं। और मसला बड़ा है, बन गया कि समझ में नहीं आ रहा किधर जाना है, हमें रास्ता नहीं पता चल रहा। बेहतर ये घर चलते। ऊपर से ये बंदा डरा भी हुआ है और साथ इसके दांत भी नहीं बंद हो रहे, हंस रहा है। हमने एंड ये सोचा कि आगे पीछे हमने देखा आग का कोई नामो निशान नहीं नजर आ रहा, जंगल में हम आ गए वैसे प्रॉपर, ये देख सकते हैं आप सारा माहौल शोर, शायद वो कहीं दूर है, कहीं बॉर्डर पे है, तो उधर जाना मुनासिब ही नहीं और इस वक्त हम जा भी नहीं सकते। असल में कोई और गैंग होती साथ, लड़के बड़े होते तो फिर तो मैं लेके निकल जाता। खैर फिर भी मुनासिब नहीं, आगे आए हैं अभी LOC आर्मी एरिया, तो इनके साथ एक डील भी हुई थी कि इन्हें पिज़्ज़ा खिलवाना है, तो वो चलते हैं वो काम कर लेते हैं, तो क्यों ना बेहतर हो जाएगा। आग वगैरह तो हमें नहीं मिली और हमने वैसे कोशिश बड़ी की एक पानी का ना टैंकर जो गया था, हमने उस पानी को फॉलो किया काफ़ी, लेकिन आगे से समझ नहीं आई, तो ज़रा मुश्किल हो गया काम हमारे लिए और अंधेरा भी हो गया। अच्छा तो हम ये के जंगल से तो बाहर निकल आए हैं, अब ये दो रोड जा रहे हैं, एक जा रहा है बरनाला की तरफ और दूसरा जा रहा है कुड़जैमल बाजार की तरफ। वो जिधर सामने लाइट ऑन है वो आप बताना, उधर जाएंगे, उधर जाके रिफ्रेशमेंट वगैरह करवाते हैं इन्हें। जंगल में तो एक घंटे की सवारी देखी है, ये कि हम शायद वो प्रॉपर कवरेज तो नहीं दे सके, लेकिन अब उधर जाके कोई करते हैं शुगल मिला। ये रास्ते में सारा रोड वगैरह खराब था, तो ये कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, इस वजह से हमें भी थोड़ी देर रुकना पड़ रहा है, रोड वगैरह ठीक कर रहे हैं, ये कि 10-15 मिनट लग जाएंगे, देख सकते हैं आप सारा साथ। तो ये कि ये ठीक हो रहा है तकरीबन, तो हम ठीक जब हो जाता फिर आगे निकलते हैं। फाइनली पहुंच आए हैं जी, बड़ी लंबी मशक्कत देख के, काफ़ी अंधेरा वगैरह भी हो गया। इस वक्त हम बाज़ार में मौजूद हैं, एक एक क्रिस्पी कॉटेज फ्री की मार्केटिंग, साहब की फरमाइश में आए हैं, देखते हैं आज क्या खाएगा और क्या खिलाएगा, अंदर जाके करते हैं गपशप। आगे बैठ चढ़ गए हैं और ये है कि इस बंदे का हम करेंगे साहब, लास्ट ब्लॉग जो उन्होंने डिलीट किया ना उसकी वजह से मेरी एनर्जी हो गई थी खत्म। उस ब्लॉग में आ क्या था, भिम्बर सारा मैंने इसमें घूमा फिर है, ठीक है, वो लोही वाले पुल वगैरह में मैं गया था, भिम्बर स्टेडियम में गया था, ट्रायल्स वगैरह हुए यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स गाला, तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ब्लॉग बना था, बड़े मजे का। फिर वो स्पोर्ट्स गाला सारा मैंने आगे कैरी करना था, लेकिन सिर्फ एक ब्लॉग जो बना एडिट भी हुआ वो इस बंदे ने कर दिया डिलीट, रिकवर भी नहीं हो सका, उस वजह से वो सारी सीरीज भी खत्म हो गई। स्पोर्ट्स गाला की सीरीज आनी थी, हम मेन कैंपस मीरपुर गए, मास का जो मेन कैंपस होता है उधर भी फुटबॉल जाके खेला, आपके भाई ने मैच भी हम जीता है, तो बड़े मजे के ना पूरी सीरीज मैंने सोचा था आनी है, लेकिन वो बस एक ब्लॉग डिलीट होने की वजह से सारी एनर्जी हुई खत्म। तो ये अब हमें सिचुएशन देखनी पड़ रही है कि 3 हफ्तों बाद ब्लॉग आ रहा है चैनल पे, माशाल्लाह मोस्ट कंसिस्टेंट यूट्यूबर ऑफ द ईयर बनने जा रहा हूँ मैं, तो क्यों बोलेंगे साथ साहब आप, क्यों आपने ब्लॉग डिलीट किया? वैसे हो गया गलती से। क्यों गलती से डिलीट हो गया? वैसे हो गया, शर्माया ना करो, ये बंदे खाते नहीं है। असल में लास्ट टाइम ने बंदे ने मुझे बड़ा गिला किया कि ये साइम अकेले ही बातें कर रहा था, बाकी कोई बंदा नहीं बोला, तो आस्ता आस्ता ये बोलना शुरू कर देंगे ना, जरा स्टार्टिंग में बंदा कैमरे के सामने जरा शाय हो जाता है। तो जैसे हम फ्रेशमेंट वगैरह करके आए वापस, मदीन भाई मिले नहीं रस्ते में, इनका कुत्ता गया था घूम, हमने साथ हो गए उसे वापस ढूंढा इनके साथ, अब गार इनके आए हैं तो जरा कोई तारफ करते हैं इस कुत्ते का, कोई जर्मन नस्ल का कुत्ता ये लेके आए हैं। कैसे हैं सर? ओ नो नो ये मुश्किल काम खतरनाक ही लग रहा है मुझे। सर देते हैं गारंटी पास आ जाऊं मैं? सर जी कौन सी नस्ल का ये कुत्ता जी?
अच्छा जर्मन शेफर्ड को कब लाया आपने? ये कोई हो गया तो एक माह हो गया था। माशाल्लाह आपने बताया ही नहीं। अच्छा ये है कि काटता नहीं है, घर में रखने वाला जानवर है। जी जी जी। प्यारा सा। तो ये भाग क्यों गया था, मतलब इसे अभी घर का सही पता नहीं? ये इसे मैंने अभी मारा है उससे पहले ना। अच्छा तो एक तो ये इंसान से वफादार जानवर है। अच्छा इसमें वफादारी बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक हो गया, भाग गया मार खाने के बाद फिर वापस आ गया। हां फिर वापस आ गया। ठीक हो गया। इधर आओ इधर टिप 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 इधर हाथ लगाऊं? हाथ तो बढ़िया सी आ रही है। लगाऊं हाथ? हाँ लगा ले। ओए यार वो जबरदस्त यार, इतने सिल्की बाल हैं इसके साथ, इतने तेरे नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू, खतरनाक काम है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। फाइनली हमारा आज का दिन जो है ना अख्ताम पजीर हो गया है, व्लॉग भी इधर एंड हो रहा है, अब बैठ के इधर हो गया एडिटिंग वगैरह। व्लॉग वगैरह तो नहीं मिले हमें जंगल में, लेकिन अब आपसे एक वादा तो नहीं कहते लेकिन दावा जरूर करेंगे, इंशाल्लाह आपसे कंसिस्टेंट हुआ जाएगा और रेगुलर बेसिस पे जो है ना व्लॉग आया करेंगे इंशाल्लाह। बहुत धन्यवाद।